यार बस पैर ठीक हो जाए फिर ये वाली रील बनाऊंगी, कितनी फनी है यार। अब कौन आ गया? एक तो जब से मेरे पैर में लगी ना कोई आए जा रहा है जैसे कि मैं मर गई हूंगी देखने के लिए। छोटू देख जरा कौन है, कौन है, तू क्या कर रहा है? वो आ गई। कौन आ गई? वो कौन, पागल हो गया क्या? मैं आ गई। और कोई सेफ्टी की फिगर है या नहीं है? दरवाजा खुला छोड़ा हुआ तुमने? दीदी नमस्ते। नमस्ते। अरे तुमने दरवाजा क्यों खोल रखा था? घर में इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी दे रखी है मेरी मम्मी ने, क्या इरादा है तुम्हारा कि वो चोरी हो जाए? वो पता नहीं कैसे खुल गया, मुझे भी नहीं पता। जब से इस पैर में लगी है तब से लोगों का आना जाना इतना हो गया है कि पूछो मत। अरे हाँ, आपका पैर कैसा है अब? मैं तो इसलिए आई हूँ आपको देखने के लिए। मेरा पैर तो बिल्कुल ठीक है, पहले से तो काफी ठीक है, और इसके चक्कर में आपको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या मतलब, इतनी तकलीफ उठा के आप इतनी दूर आए हो और सिर्फ ये देखने के लिए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे आना ही था। वैसे भी तो मैं आती हूँ, तो मैंने सोचा चलो इसके लिए भी चलती हूँ। देखा मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखती हूँ, तुम्हें लगता नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ भाई, तू क्या बोल रहा था? हफ्ते हफ्ते मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाता हूँ। हाँ ठीक है। आना जाना इतना हो गया लोगों का, बेचारा थक जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। एक तो घर का काम, फिर और आजकल मैं भी कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। वैसे आपका हुआ कैसे है? आप रील्स बना रही थी क्या? नहीं, वो एक्चुअली जिम गई थी। अच्छा जिम, तभी मैं कहती हूँ अकेले जिम नहीं जाना चाहिए। आपने इतना मोटिवेट किया तो मुझे लगा मुझे भी करना चाहिए। नहीं मैं तो योगा करती हूँ। अच्छा आप योगा करती हो, तो योगा में आपकी गर्दन कमर कुछ नहीं मुड़ता? मैं बहुत टाइम से करती भी आ रही हूँ, तो मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो चुकी है। अच्छा, मुझे तो बस अभी 3 दिन हुए थे, 4th दिन ये हो गया। आपके भाई ने बोला कि अभी नहीं, अभी थोड़ा रेस्ट लेना है उसके बाद ही, और डॉक्टर ने भी यही बोला है, बाकी जल्दी ठीक हो जाए ताकि आप रील बना पाओ। नहीं रील के लिए थोड़ी ना, वो घर का काम भी तो कितना सारा है, और आपका बैग देख के लग रहा है आप 1 महीने के लिए तो आए हो, तो आपका खाना। अरे खाना मैं बनाऊंगी ना। आप बनाओगे और क्या? फिर मैंने तुम्हें बताया ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए खाना मैं बनाऊंगी। आपको आता है खाना बनाना? हाँ बिल्कुल आता है, मुझे क्यों नहीं आता खाना बनाना? नहीं नहीं छोटू बना देगा, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? अरे छोटू अभी तुम ही तो बता रही हो कितना सारा काम कर रहा है, तो एक टाइम का खाना मैं बना दूंगी। ठीक है, कितनी अच्छी है ये, मैं इनको गलत सोचती थी। तो दीदी बस। अरे तो कुछ नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं जाके खाना बना के आती तुम्हारे लिए, ठीक है? अच्छा हाँ। अरे लेकिन आप तो थके हो अभी, आप कहीं? अरे कोई तो नहीं, कोई थकी नहीं हूँ मैं बस बना के लाती तुम्हारे लिए कुछ खाना। ठीक है। वाव यार, इनमें बड़ा चेंज आया, लगता है दिल की अच्छी हो चुकी है, अपनी मम्मी की तरह नहीं रही। क्या बनाऊं, एक काम करती हूँ दाल बना देती हूँ और मिक्स वेज राइस के साथ अच्छे लगेंगे। एक भी चीज ढंग की नहीं इनके पास, रील्स बनानी है बस पूरे टाइम। आज तो मज़ा ही आ गया, कभी किसी ने ऐसा सुना नहीं होगा कि नंद ने बनाया भाभी के लिए खाना। चलो सब्जी तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बस दाल डालनी है इसमें। काम ख़त्म हो गया, आज बहुत काम किया मैंने इधर आके। बताती हूँ जाके कि खाना बन चुका है। क्या बनाया है इन्होंने, बड़ा ही बोल रही हैं। हे भगवान, छोटू भी बाहर गया हुआ है, अब ये सब कौन करेगा? और बनाया क्या है? सिर्फ दाल और खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन ये सब क्या कर दिया? अब ये सब मुझे ही साफ करना पड़ेगा, एक टांग पर खड़े होकर बर्तन धोने पड़ रहे हैं मुझे। हाँ भैया आप आ जाओ, मैं अकेली हूं। हाँ सिर्फ एक ही का करना है। हाँ? क्या करना है एक ही का? किसको बुला रही हो? आप तो सोने जाने वाली थी। मुझे नींद ही नहीं आई, मैं लेट तो गई थी, पर आप बुला किसको रही हो? मैं इतना क्या सोच रही हो, जल्दी बताओ, फोन दिखाना जरा। मैं इसको बुला रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, मैं कॉफी पीकर आती हूँ। अरे पहले बता के तो जाओ। लगता है किसी मेकअप वाले को बुला रही है। कोई नहीं, उससे पहले मैं जाके बैठ जाऊंगी, वैसे भी अब मैं सोने वाली तो हूँ नहीं। अरे भैया रुको, आपको किसने बुलाया? मैम आपकी भाभी ने। मेरी भाभी ने? हाँ जी। बैठो बैठो, आप बैठो, मैं जी। मैं कितनी चालू है भाभी, नेल्स वाले भैया को बुलाया, अब सबसे पहले तो मैं ही ठीक कराऊंगी, तब तक वो अंदर है। दीदी! दीदी क्या हुआ, ये आप क्या करवा रहे हो? क्या हुआ, दिख नहीं रहा है नेल्स ठीक करवा रही हो अपने? वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या 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 आप ही के लिए बुलाया था भैया को। भैया आपने दीदी को बताया नहीं, हो सकता भैया भूल गए होंगे। आप करा लो, दूसरे भैया भी आए होंगे। भैया आप मेरे कर दो। चुड़ैल गई कि बैठ गई। बैठ जाओ, दूसरे भैया भी हैं। दूसरे भैया को तो ज्यादा अच्छे से आता भी नहीं है, ये तो बहुत बुरी है।
भैया इनके वही वाले नेल्स करना जो मैंने आपको आज भेजे हैं। चुप रहो तुम। भैया वो मत करना, जो मैं आपको दिखाऊंगी वही करोगे। लास्ट टाइम तो अच्छे किए थे ना भैया ने, जो मैंने भेजे थे आपके वही तो किए थे। अच्छे तो थे लेकिन इस बार ही मैं करवाऊंगी जो मुझे पसंद है। अच्छा आप नेल लेंथ इतनी रखोगे या फिर इसको कम करोगे? मैं सोच रही थोड़ी सी कम करूँ। हाँ हाँ इतनी छोटी कर दो जितने मैंने की है। नहीं नहीं तुम्हारे तो दिखेंगे भी नहीं, मैं तो कम से कम दिखाऊं अपने नेल्स। हाँ आपके बड़े हों या छोटे हों क्या ही फर्क पड़ता है, आपको घर का कुछ काम भी तो नहीं करना पड़ता। तुम हर टाइम एक ही डायलॉग क्यों मारती रहती हो, मुझे तो बड़ा बोलती हो, एक डायलॉग मार रही हो, खुद भी एक डायलॉग मारती रहती हो। भैया आप करो ना, आप रुक क्यों गए? यार इसने तो अपने नेल्स छोटे नहीं करवाए, मेरे तो कुछ ज्यादा ही छोटे हो गए। हाँ भैया थोड़े से और छोटे कर देना वरना प्रॉब्लम होगी। अरे तुम पागल हो क्या भैया, इतने ही रहने देना, क्यों छोटे कर देना, ये ठीक है लेंथ, अपने छोटे करा लिए दूसरे को छोटे कराओगी? अरे मैंने तो जानकर छोटे कराए क्योंकि मुझे तो चाहिए थे ऐसे, काम भी तो सारा मुझे ही करना पड़ता है। एक ही बात बोलती रहती है। कोई बात नहीं आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, फिर अपना करो ना। ठीक है भैया मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ आपको कैसे करने हैं, मेरे हाथों पर तो यही अच्छा लगेगा तो यही करना। दीदी के हाथ पर तो पता नहीं क्या अच्छा लगेगा। यही करवाती रहती है जब देखो। मेरे हाथ में भी मैंने बहुत अच्छा सोचा है, जब हो जाएगा ना डन तब देखना। कम से कम मुझे तो बताओ। वो मैं बाद में दिखाऊंगी जब भैया मेरा कर देंगे। ठीक है अब अपना करवा के जल्दी निकलो। वाओ यार मेरे रेड नेल्स कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरे तो बहुत हाथ चमकेंगे। लेकिन ये कलर कच्चा तो नहीं रह जाएगा, और मेरे बर्तन धोने में और कपड़े धोने में निकल गया तो? क्या हुआ, क्या बात कर रही हो खुद से? कुछ नहीं मैं सोच रही थी आज आपके लिए डिनर में क्या बनाऊं। ये कब से सोचने लगी आप? जब से आप यहाँ पर रहने लगी हो तब से। आपका ख्याल रखना तो मेरी ड्यूटी है ना, इसीलिए। आपके तो बड़ा धीरे काम हो रहा है। खैर मेरा हो जाएगा तो मैं आपके लिए रोटियां सेक दूंगी। ठीक है भैया जल्दी कर दो, इनका रोटियां बनानी है इनको नेल्स लगा के। एक आइडिया, रोटियां तो आज आप ही बनाओगे। भैया ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी करो, मुझे वॉशरूम जाना है। एक तो जब भी मैं नेल्स लगवाऊं या मेहंदी लगवाऊं मुझे वॉशरूम जाना ही जाना होता है। भैया मैं एक मिनट में आई, हो गया आपका ये बचता है? ठीक है मैं आ रही हूँ भाभी अभी। ठीक है। भैया आपको ना एक्टिंग करनी होगी, लास्ट टाइम याद है ना मैंने आपको ज्यादा पैसे दिए थे, इस बार भी वही करेंगे। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा ठीक है? जी मैम। कोई भी गड़बड़ मत करना भैया। जी मैम। जब आपको काम करना नहीं आता तो क्यों काम करते हो? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इन पर? हद होती है। क्या हुआ, देखो क्या किया इन्होंने, ये कैसे लगा आपके? अरे अरे भैया ने कट दे दिया और ये इतना पेन हो रहा है कि पूछो मत, अब तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगी भैया। पर भैया तो बहुत अच्छे से करते हैं, कट कैसे लग गया आपके आज? चाहे कोई कितना भी अच्छा करे कट तो लग ही जाता है कभी ना कभी, कभी हम गलती करते हैं तो कभी ये, क्या पता। कोई बात नहीं भैया हो जाती है गलती, आप सॉरी मत बोलो। ज्यादा तो नहीं लगी है ना, काम कर लोगे ना? कैसे काम कर लूंगी भैया बोलो। मैम कोई काम नहीं कर सकती, इनको इन्फेक्शन हो जाएगा। देखा सुना, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती वरना मुझे ब्लीडिंग होगी और आटे में भी लग जाएगी, इन्हीं को आज खाना बनाना पड़ेगा समझे। मैं तो चली रेस्ट करने, आपको मैं पैसे दे दूंगी, इनसे मत लेना, लास्ट टाइम ये मेरे पे बहुत चिल्लाई थी। ठीक है बाकी रोटी आप अपने लिए भी बना देना और मेरे लिए भी। भैया आप भी ना नेक्स्ट टाइम जरा संभल कर करना बेचारी। ठीक है भैया मेरे आराम से करना, कहीं मेरे भी कट लगा दो। काम करूंगी, चावल बना दूंगी, कौन खिलाएगा रोटी बना के? हाँ आज तो मैं काम से बची गई, अब चलती हूँ रेस्ट करती हूँ।